बैंगन की चटपटी कलौंजी की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही अलग अंदाज में हम इसे बनाएंगे, जो कि खाने में तो स्वादिष्ट है ही, साथ ही इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ऐसे हम लोग बैंगन को पकाने में काफ़ी सारा टाइम ले लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए, इस बैंगन की सब्जी बनाने के लिए यानी कलौंजी बनाने के लिए हमें सिर्फ 10-15 मिनट लगे सारी चीज़ों को तैयार करके करने में। तो आज इस इजी रेसिपी को, बैंगन को आप फटाफट से कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी देसी भोजन के वीडियोस पाने के लिए। यहाँ पे हमने छोटी बड़ी हर साइज़ की बैंगन ली हुई है और इसे हम बीज से पहले काट लेते हैं। अगर आप डंठल अलग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कलौंजी बना रहे हैं ना तो डंठल को अलग मत करिएगा। तो ये मैंने बस ऐसे ही आपको दिखा दिया कि अगर आप अलग करना चाहें तो, लेकिन अब हम इसे बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे। और हल्का हल्का इसे बीच से कट करके ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बैंगन में कीड़ा होता है अंदर, तो ऐसा ना हो कि कीड़ा बन जाए, ठीक है? तो इसीलिए सारे काट लिए हमने। वैसे एक भी बैंगन में कीड़ा हमें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सावधानी, सुरक्षा सब अपने हाथ में होती है। और यहाँ हमने पानी में डाल दिया, ढक दिया इसको। इसे 2 से 3 मिनट में हाई फ्लेम में हमने इसको छोड़ दिया था, और आप देख सकते हैं जितनी पानी हमने डाली थी सारा सूख गया है। अब इसे हम निकाल करके दूसरे प्लेट में रख दिए हैं। थोड़ी देर इसको हम हवा में रखने वाले हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और इसका पानी सूख जाए। यहाँ पे हमने सारे मसाले तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे 2 छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर। अब इन्हें सारे गीले मसालों के साथ सूखे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास खड़ा धनिया है तो आप उसको भी मसाले के साथ पीस सकते हैं। हमारे पास पाउडर था तो इसलिए हमने खड़ा नहीं पीसा इसमें। अब ये देखिए, पूरी तरीके से पानी सूख चुका है और बैंगन ठंडी हो गई थी, तब हम यहाँ पे मसाले डाल रहे हैं। मसाले को बहुत सावधानी से डालिए ताकि इधर अगर निकलेगा बाहर से तो वो तेल में जाके फैल जाता है। तो इतना डालिए केवल कि वो अंदर मसाले बन जाए, नीचे बाहर निकल करके फैले ना, बस इसको कवर करके अच्छे से चिपका देनी है। और देखिएगा कि हमारे मसाले बिल्कुल भी तेल में नहीं फैलेंगे। तेल को सबसे पहले तो हमने गरम करके रख दिया है और मसाले भरते हुए, ये बहुत अगर जल्दीबाजी में काम करनी है, ऐसे अगर आप भर भर के अलग प्लेट में रखते हैं और उसके बाद करते हैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाती है। भरते रहें और डालते रहें। एक बार लाल हो चुकी थी इसलिए हम दूसरी बार पलट देते हैं। उबाले हुए बैंगन में एक फ़ायदा होता है कि आपको ढक के पकाने नहीं पड़ेगी, बस उलट पलट करके इसको सेक देना है। और ये देखिए, पूरी तरीके से हम इसको सेक चुके हैं। हल्का सा हम मीडियम फ्लेम में और इसको सेकेंगे और बंद करके तैयार हो जाएगी। तो है ना बहुत ज़्यादा इजी। लीजिए, तैयार हो गई। बस बॉईल करना है और सारे मसाले को भरना है और बन के तैयार हो जाती है। इसे आपको बैंगन बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम समय में ये ऐसी कलौंजी बन के तैयार हो जाती है। तो ये इजी वाली बैंगन की कलौंजी आप सबको कैसी लगी है हमें ज़रूर से अपना सुझाव दीजिएगा। कम अधिक जैसा भी आपको चीज़ें समझ में आए हमें अपना सुझाव दीजिएगा। अगर कुछ कमी है तो हम उसमें और काम करेंगे। और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करिए और बना करके ज़रूर से देखिए कितना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है।